बेमेतरा जिले के साजा तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम टेकराम माहेश्वरी व गार्ड गौकरण सिंह को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ग्राम भटगांव तहसील साजा जिला बेमेतरा निवासी दिव्यांग प्रार्थी तुलाराम पटेल ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की थी कि नगर पंचायत परपोड़ी स्थित उसकी माता के नाम पर भूमि के डायवर्जन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम के कार्यालय में आवेदन दिया गया था। मामले को लेकर एसडीएम ने 1,00,000 रुपए की रिश्वत मांगी। 20,000 रुपए में मामला तय करने के बाद पहली किस्त 10,000 रुपए दिया गया था। दूसरी किस्त के पहले एसीबी रायपुर को शिकायत दर्ज करने पहुंचा, जिसके बाद तुकाराम पटेल एसडीएम को रंगे लगे रुपए रिश्वत देने उनके कार्यालय पहुंचा। एसडीएम के गार्ड गौकरण सिंह बघेल ने जैसे ही अपने हाथों में प्रार्थी से राशि ली और उसके बाद एसडीएम को दिया, एसीबी टीम को इशारा मिलते ही 17 सदस्यीय टीम ने एसडीएम व नगर सैनिक को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाश भी की जा रही है। एसडीएम टेकराम महेश्वरी प्रार्थी से जमीन डायवर्सन के उपलक्ष में पैसा की डिमांड किया था। पहले तो उन्होंने 1,00,000 रुपए की डिमांड की थी और उतरते उतरते में संभवतः 25,000 में उनका तय हुआ था और दीपावली के पहले उन्होंने 10,000 रुपया ले चुका था और बाकी बचे 10,000 रुपया उन्होंने लेने के लिए आज बुलाया था और उसको 10,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ हमने